नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। चुनाव आयोग की सिफारिश, सभी पार्टियां सीए से कराए अपने अकाउंट का ऑडिट। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि सभी राजनीतिक दल अपने अकाउंट का ब्यौरा रखें और चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट को ऑडिट कराएं, फिर उसके बाद ऑडिट का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा जाए। चुनाव में काले धन का प्रवाह रोकने के लिए आयोग ने कई चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इनमें से अधिकतर सरकार के समक्ष लंबित है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के कानून में भी बदलाव की मांग की है। गलत एफिडेविट देने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि एक उम्मीदवार एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़े। एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में रिश्वत के केस या गलत एफिडेविट देने की स्थिति में 2 साल की सजा की मांग भी की है। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले एग्जिट पोल पर रोक लगाने की भी मांग की है। ओपिनियन पोल पर भी कुछ हद तक प्रतिबंध की मांग की है। साथ ही आयोग ने चुनावी पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा आयोग ने कहा कि 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों का ब्यौरा होना चाहिए। चंदा देने वालों का नाम, पता और पैन नंबर होना चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी और विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को आयकर में छूट मिलना चाहिए। गौरतलब है कि भारत में 1,780 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है। इसके अलावा देश में 7 राष्ट्रीय दल भाजपा, कांग्रेस, बसपा, तृणमूल, भाकपा, माकपा और राकपा है। इसके अलावा 58 क्षेत्रीय दल है। माना जा रहा है कि आयोग की ये सिफारिशें मान ली जाती है तो देश में चुनाव प्रक्रिया में बड़ा सुधार हो सकता है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिया इस्तीफा। चीन ने चेताया, भारत बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सियाचिन को बताया चीन का हिस्सा। सीरिया के अलेप्पो पर 4 साल बाद असद सरकार का नियंत्रण। जहरीली हवा पर एनजीटी सख्त, खुले में कूड़ा जलाने पर लगाया प्रतिबंध।